नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आज हमारा जो लक्ष्य है वह है संविधान की व्याख्या, भाग के बारे में और अध्याय के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, खंड के बारे में, उपखंड के बारे में और अनुसूची के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। भाग किसे कहते हैं, अध्याय किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, खंड किसे कहते हैं, उपखंड किसे कहते हैं और अनुसूची किसे कहते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है, 370 धारा है या अनुच्छेद है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और इसके साथ साथ हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे किस प्रकार पढ़ा जाए और इसे किस प्रकार पढ़ा जाए और इसे किस प्रकार पढ़ा जाए, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। बहुत से बच्चे इसे पढ़ते हैं 19(1)(a), लेकिन यह गलत तरीका है। इसे पढ़ने के सही तरीके के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वहां पर मैंने इस पर चर्चा की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों संविधान। सबसे पहले लिखा गया है फर्स्ट प्लेस पे संविधान। संविधान, तो संविधान को हमने क्या किया, संविधान को हमने डिवाइड किया भाग में। संविधान को भाग में एक प्रकार की चीजों को संग्रहित करने के लिए हमने किसका निर्माण किया, भाग। भाग तो सबसे पहले पास्ट में 22 भाग थे, लेकिन आज प्रेजेंट में, पास्ट में 22 भाग थे लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं। वनडे एग्जाम के लिए एक प्रश्न ये हो गया। अब यहाँ पर भाग, भाग के बाद हमने किस, इससे भाग को डिवाइड कर दिया बड़े भाग को अध्याय में, बड़े भाग को डिवाइड कर दिया हमने अध्याय में, और अध्याय को डिवाइड किया हमने, विभाजित किया अनुच्छेद में, और अनुच्छेद के बाद फिर से हम अनुच्छेद को डिवाइड किए खंड में, और खंड के बाद उपखंड में। अब आइए गौर से देखते हैं। सबसे पहले हो गया भाग, भाग संविधान, संविधान के बाद भाग, भाग के बाद अध्याय, अध्याय के बाद अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद खंड, और खंड के बाद उपखंड। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जो छोटे भाग होते हैं उनमें अध्याय नहीं होते, जैसे भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इसमें कोई अध्याय नहीं। यहाँ पर कैसे लिखा गया है, भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख किया गया है। अगर आप भाग तीन देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा गया है, भाग तीन, उसके बाद अध्याय का कहीं नामो निशान नहीं है, और अनुच्छेद 12 से 35। लेकिन अगर आप बड़े भाग जैसे कि भाग पांच को देखेंगे वहीं, तब भाग पांच पर क्या लिखा गया है, भाग पांच अध्याय फर्स्ट आर्टिकल 30, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, मतलब वही कि राष्ट्रपति से जुड़ा यह अनुच्छेद है। तो मैंने क्या कहा कि जो बड़े, यहाँ पर एक लाइन महत्वपूर्ण है कि एक भाग में कई अध्याय हो सकते हैं, एक भाग में कई अध्याय हो सकते हैं, लेकिन हर भाग में, लेकिन हर भाग में अध्याय होना अनिवार्य नहीं है। एक भाग में, एक भाग में कई अध्याय हो सकते हैं, लेकिन हर प्रत्येक प्रत्येक भाग में अध्याय का होना अनिवार्य नहीं है, जिसका उदाहरण आपने देख ही लिया कि भाग एक, भाग दो, भाग तीन में कोई अध्याय नहीं है। जैसे कि बड़े जो भाग हैं, भाग 11 में दो अध्याय है, भाग 6 में कई अध्याय हैं, भाग 5 में भी कई अध्याय हैं, भाग 12 में भी कई अध्याय हैं। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। और जो अध्याय होते हैं उनको इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, और बड़े भाग को अध्याय में बांटा जाता है, बड़े भाग को अध्याय में बांटा जाता है। जैसे कि भाग में हमने क्या देखा कि भाग में अब हम देख रहे हैं भाग पांच संघ का शासन, या फिर भाग दो देखेंगे तब हम वहां देखेंगे नागरिकता से जुड़े मुद्दों के बारे में, भाग तीन मूल अधिकार से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी पहलू हैं, उनको भाग तीन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो हम भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, और अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, और थोड़ी सी जानकारी अनुच्छेद के बारे में प्राप्त कर लिए। अब देखें भाग पांच, यहाँ पर लिखा जा रहा है भाग पांच, भाग पांच बोल रहा है कि हम हमारे अंदर संघ के शासन से जुड़े जितने भी प्रावधान हैं उनको शामिल किया गया है। भाग पांच संघ का शासन, इसके अंतर्गत हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत से प्राधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि मंत्रिपरिषद हो गया, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिलहाल अभी वहां नहीं जाना हमें, हमें उदाहरण के साथ चीजों को स्पष्ट करना है। तो भाग पांच संघ का शासन, उसके अंतर्गत हम इन चीजों को देखें।
अब इसके अंतर्गत अब यहाँ से देखें, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो यहाँ पर भाग एक, भाग पांच, भाग पांच के बाद अध्याय एक, भाग पांच भाग के बाद हम आ रहे हैं अध्याय एक। अध्याय एक के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना रहता है कि बनने, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की एकल संकर्णीय मत पद्धत, वीटो की शक्ति, क्षमादान और अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक जब हम राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे वहां पर इन सब चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। ये सब उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जा रहा है कि अध्याय ले लिया, अध्याय के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देख लिया। अब इसके बाद अनुच्छेद आता है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब गौर से कीजिए कैसे, मतलब एक तरीके से आपको सब चीजें क्रम से दिखाई जा रही हैं कि भाग देखा हमने, भाग के बाद में हमने क्या देखा, भाग के बाद में अध्याय देखा, अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है थर्ड, अनुच्छेद के बारे में पहला आर्टिकल, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 54 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद में आर्टिकल 55 जो है वो कह रहा है कि एकल संकर्णीय मत पद्धति, आगे इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 56 के बारे में भी बात की जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक। और इसके बाद में आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो इन सब बातों की चर्चा वहां पर की जाएगी, वहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भी तुलना की जाती है। तो यहाँ तक हम अपनी बात को क्लियर कर लिए, ले गए कहाँ तक, आर्टिकल तक हम अपनी बात को क्लियर कर लिए। अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में हम खंड और उपखंड की चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने अनुच्छेद देख लिया और अनुच्छेद को हम खंड में बांट देते हैं, और खंड में बांटने के बाद उपखंड में बांटते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा की गई है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है उसको मैंने 10 मिनट में कवर करने की कोशिश की, और आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो अब आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखें समझने के लिए मैंने कितना बेहतरीन तरीके से गोले को डिजाइन किया है। देखें सबसे पहले संविधान, सबसे पहला जो पार्ट है वह है संविधान, सबसे बड़ा गोला संविधान। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब आप फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से या मैप के माध्यम से अध्ययन करते हैं तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं और आपके दिमाग में स्टोर भी ज़्यादा अच्छे से होता है। तो देखें गोले के माध्यम से आप एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखें सबसे पहले भाग, भाग के बाद में दूसरा गोला जो है, पहला गोला, दूसरा गोला भाग, पहला गोला संविधान, दूसरा गोला भाग, उसके बाद तीसरा गोला दोस्तों अध्याय को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथा गोला अनुच्छेद को, और पांचवा गोला खंड को, और जो छठा गोला है ये गोला यह बता रहा है उपखंड के बारे में। तो आशा करता हूँ यह चित्र भी आपको बहुत मनमोहक लगा होगा और जानकारी तो उससे भी ज्यादा मनमोहक लगी होगी। तो आगे बढ़े, अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, अनुच्छेद और धारा के बारे में, अनुच्छेद और धारा के बारे में। धारा वो स्ट्रीम होती है उसकी इंग्लिश फ्लो, लेकिन यहाँ पर सेक्शन की बात की जा रही है, और अनुच्छेद जिसकी इंग्लिश आर्टिकल होती है आप जान ही रहे हैं। तो अनुच्छेद जो कहा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद कहा जाता है जो मार्गदर्शन सिद्धांत रखने वाले प्रावधान है उन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं, जो मार्गदर्शन सिद्धांत रखने वाले प्रावधान है, आप गौर से समझें और अपने नोट्स में लिखें भी जरूर, जो मार्गदर्शन सिद्धांत रखने वाले प्रावधान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, और उसका यूज संविधान में होता है, इसका यूज संविधान में होता है। और जो धारा होती है, तरीका बताने वाले प्रावधान को हम कानून में शामिल करते हैं, जो तरीका बताने वाले प्रावधान होते हैं उनको हम किस में शामिल करते हैं, उनको हम कानून में शामिल करते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है, इसका यूज होता है किसमें, संसद के कानून में इसका प्रयोग होता है, संसद के कानून में। अब यहाँ पर बात आती है कि 370 धारा है या 370 अनुच्छेद है। जैसे कि 370 के बारे में चर्चा की जाती है तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, वो बताएंगे कि धारा 370 खत्म कर दी गई, धारा 370 खत्म कर दी गई। तो आपने भी यही आज तक सुनना होगा कि धारा 370 खत्म कर दिया गया।
लेकिन यह गलत है। सही क्या है? अनुच्छेद 370। सही क्या है? अनुच्छेद 370, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में बदलाव किया गया, संसद के किसी कानून को में परिवर्तन अथवा समाप्त नहीं किया गया। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो आप इस बात को, ये जो बात है, इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त हो और उसके साथ साथ धारा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो। तो यहाँ तक की बात हम क्लियर कर ले गए। तो अनुच्छेद और धारा के बाद धारा के बारे में जानकारी मिली, अनुच्छेद किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, यह भी आपको जानकारी मिली। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल, इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चे, जो गलत तरीके से पढ़ते हैं हम उनको बताएं। आर्टिकल 19(1)(a) इसको पढ़ा जाता है, आर्टिकल 19(1)(a) जो कि गलत तरीका है। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है ये देखते हैं। तो देखें, ये हो गया अनुच्छेद और इसके बाद आता है खंड और इसके बाद आता है उपखंड, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में क्लास, क्लास के बाद में सब क्लास। तो इसे किस तरीके से पढ़ा जाएगा आइए गौर से देखते हैं, नहीं तो आप भी गलत तरीके से पढ़ते रहे होंगे, तो इस तरीके को बदलें। इसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। देखें ध्यान से समझेंगे तब आप इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19 का भाग वो, अनुच्छेद 19 इसके बाद में ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसको हम खंड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, उपखंड कहते हैं, का खंड एक, उपखंड ए। गौर कीजिएगा इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा गया, या फिर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको क्या कहते हैं कि आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए, आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए। तो आशा करता हूँ अब आप समझ पाए होंगे। तो पहला, जैसे कि इस तरीके से जब आपको लिखा मिलेगा, यह हो गया अनुच्छेद, यह हो गया वन मतलब क्लाज, और उसके बाद जो सेकंड ब्रेकेट है वह सब क्लाज जिसे उपखंड कहते हैं। बात क्लियर, यहाँ तक की समस्या का समाधान कर लिया। अब आपको बहुत आनंद आया होगा यह जानकारी, मुझे लगता है रोचक लगी होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा गया है 39A, यह भी तो ए है ना, लेकिन ऐसी बातें हम हिंदी और इंग्लिश वाली बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, यह भी ए है, यह भी ए है, इसका मतलब दूसरा है और इसका मतलब दूसरा है, कैसे है आइए समझते हैं। जैसे कि जो यह वाला है, देखें यहाँ सबसे पहले इस चीज के बारे में गौर करें, यहाँ पर लिखा गया है, समझाने के लिए इसीलिए मैं आपको लिख लेता हूँ, मैं आसानी से समझा सकूँ। जैसे कि बड़ी बड़ी जो कोचिंग होती हैं वो PPT का यूज करती हैं, तो उतनी सुविधा तो है नहीं हमारे पास, यही बोर्ड है जिससे कि मैं लिख के आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जो कैपिटल में लिखा गया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका क्या अर्थ होता है, ये न्यू आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, न्यू आर्टिकल। और छोटे मतलब स्मॉल लेटर में जब लिखा गया है ए बी, तो ये कहा जा रहा है कि पार्ट ऑफ आर्टिकल, यह किसी अनुच्छेद का हिस्सा है। और जब बड़े लेटर में लिख दिया गया तो वह न्यू आर्टिकल हो गया, तो यह न्यू आर्टिकल है, या न्यू आर्टिकल है, या 39 का एक पार्ट है, 39 का एक पार्ट है। जैसे कि 39 इसको देखें, हाँ तो इसको क्या हाँ इसको पढ़ने का तरीका भी तो हमें अभी जानना है, इसको क्या कहेंगे हम, 39 क्लाज ए। इसमें क्या कहा जाता है, रोजी रोटी के साधन के बारे में जानकारी दी जाती है, रोजी रोटी के साधन की चर्चा यहाँ पर की जाती है। लेकिन जो 39A है, इसे क्या पढ़ेंगे, 39A, और इसे क्या पढ़ेंगे, 39 क्लाज ए। तो यहाँ पर क्या चर्चा की गई, यहाँ पर लिखा गया है निशुल्क कानूनी सहायता। यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन किया गया है, यहाँ पर निशुल्क कानूनी सहायता। अगर आप इसको और इसको एक मान लेंगे तब इस अंतर को भी नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अजमल कसाब को भारत सरकार की ओर से वकील दिया गया था, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास वकील नहीं है तो आपको दंड मिल जाए गलत तरीके से। इस चीज को बचाने के लिए संविधान में इस तरीके का प्रावधान संविधान सभा के लोगों ने किया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई थी अजमल कसाब को। ठीक, अब हम यहाँ तक का एरिया कवर कर लिए।
अब इसके बाद में एक टॉपिक यहाँ पर और बसता है, ये देखिए ये और ये, तो ये जो इस तरीके से जो लिखा गया है यह सही है, लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा और इसका उच्चारण भी बदल जाएगा। तो आशा करता हूँ यह बात भी आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो हमने क्या यहाँ तक का ये आज का टॉपिक बहुत रोचक है, इसीलिए मैंने कहा कि प्रस्तावना शुरू करने से पहले इस चीज़ को बता देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया और ये जानकारी आपको बहुत मतलब आनंद वाली लग रही होगी। तो आइए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं कि अनुसूची के बारे में, अनुसूची के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो अनुसूची जो है ये संविधान, जो हमारा संविधान है उसके अंत में विषयों की एक सूची दी गई है और वह अंत में विषयों की एक सूची दी गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाएं, अगर आप पूरा भर भर के नोट्स बनाएंगे तो पूरा कचड़ा हो जाएगा और आप भी पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, और इस तरीके से जब लिख के नोट्स बनाएंगे तब आपको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। कम गागर में सागर भरने वाला तरीका अपनाएं। तो यहाँ पर अंत में एक विषयों की सूची दी गई है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आइए इसको अब उदाहरण से समझें। देखें आर्टिकल एक, तो आर्टिकल एक बहुत जल्दी ही आने वाला है, आर्टिकल फर्स्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है दोस्तों, इसकी व्याख्या की गई है पहली अनुसूची में, इसकी व्याख्या की गई है पहली अनुसूची में। अब देखें अगर जैसे कि हम सब बचपन क्या होता है कि हम वही नौकरी करेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा वेतन मिल रहा हो, सबसे ज़्यादा सैलरी हो, तो सबसे ज़्यादा सैलरी अगर हमको आपको जानना हो तो क्या करेंगे, सभी का वेतन जानना हो तब हम चले जाएंगे तुरंत वेतन, जैसे कि बचपन होता है तो कहते हैं कि यार देखो जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा वही वाली नौकरी करेंगे ना, आप भी ऐसे करते थे और हम भी ऐसे करते थे ना, तो सभी का वेतन जानना है तो आइए दूसरी अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आया हो और वह यहाँ भारत के शपथ के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो संविधान सभा ने क्या कहा कि अगर आपको हमारे देश के सभी प्राधिकारियों के शपथ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप तीसरी अनुसूची उठा लीजिए, वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको आज का लेक्चर ये बात आपको समझ में आई होगी और आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यार ऐसी जानकारी के लिए हमारे लेक्चर को, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से अगर आपको प्रेरणा मिली हो हुई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह जितने भी सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड जुड़े हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यह लेक्चर आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई डाउट भी हो तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो इतनी देर हमें समय दिया और इतनी देर सुना।